हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एक और नेट में आप लोग का स्वागत है। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को पॉइंट्स दिखा देता हूं। मेरे पास है 9125 पॉइंट जो कि बराबर है 912 यूसी के अप्रोक्सीमेटली। तो अभी आज की वीडियो में मैं आप लोग को सोलो बोनस चैलेंज के गेम प्ले के साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूं कैसे आपको खेलना चाहिए, कैसे आप जीत सकते हैं सोलो बोनस चैलेंज का हर एक मैच, या फिर आप एकदम मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यार यहां पर मुझे इस मैच में कन्फ्यूजन थी कि जो जोन बनेगा वो मिलिट्री साइड बनेगा या फिर मेन आइलैंड के साइड बनेगा, तो इसलिए मैं ब्रिज के पास वाले घर पे कूद जाता हूँ ताकि मैं यहाँ से गाड़ी लेकर अगर मिलिट्री साइड जोन बने तो मैं फटफट से निकल जाऊँ वहाँ के लिए। यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर मुझे बग्गी मिल जाती है एंड जब तक जोन नहीं बन जाता तब तक मैं यहाँ पर लूटने के लिए रुक जाता हूँ ब्रिज के पास वाले घर पे। तो यहाँ पर जोन जो है वो अपनी साइड ही बन जाता है, तो कोई ब्रिज वगैरह क्रॉस करने का झंझट नहीं रहता है। तो बग्गी लेकर निकल जाता हूँ एंड थोड़ी बहुत लूट करता हूँ मैं पेट्रोल पंप में। फिर उसके बाद जाएंगे हम ऊपर। ऊपर जाने से पहले आप लोग देख सकते हैं पहले से ही वहाँ पर एक गोली चलती है एंड वहाँ पर M16 से एक बंदा मार दिया जाता है। तो अभी मैं उस बंदे को ढूंढ रहा था जिसने उसको मारा क्योंकि मुझे किल भी चाहिए थे, क्योंकि किल पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सोलो बोनस चैन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसके पास घर के पास से जैसे जाता हूँ मुझे बंदा दिख जाता है, बट मैं गाड़ी सीधा रोकता नहीं हूँ क्योंकि भाई वो बंदा मार सकता था मुझे जैसे ही मैं लैंड वगैरह करता। तो अभी देख सकते हो ये बंदा मेरे पर रश करता है AKM के साथ एंड इसको मैं M16 के बर्स्ट के साथ मैं इसको पेलम दिस कर देता हूँ। तो भाई काफ़ी मजा आता है इसे, इधर से मुझे AKM मिल जाती है, स्कोप मिल जाता है, नेड वगैरह इनिशियल लूट जो रहती है वो सब कुछ मिल जाती है, बूस्टर वगैरह। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी लूट मिली होगी एंड इसको देख सकते हो नीचे मतलब अंदर इसने एक और बंदा मारा था जिसके पास उजी एंड AKM थी, तो इसने उसको M16 से मारा था एंड मैंने इसको M16 से मार दिया। तो वहाँ से पूरा घूमते घूमते मैं आ जाता हूँ स्कूल के पास अपार्टमेंट्स वगैरह, क्योंकि मुझे फाइट भी चाहिए थी तो इसलिए मैं लूटता इधर उधर घूमते घूमते बग्गी उठा के मार जाता हूँ। आप लोग पेट्रोल देख सकते हैं, मेरे बग्गी का पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा खत्म हो गया क्योंकि मैं बहुत साइड से बंदे ढूंढ रहा था एंड मैं ऐसे ही अंदर नहीं घुस रहा था, पहुँचेंगे मैं घुस सकता था पहुँचेंगे मैं बंदे थे मैं, बट वहाँ पर नहीं गया। एंड यहाँ पर देख सकते हो मेन जो अपार्टमेंट रहता है वहीं से मुझे फुटस्टेप आनी स्टार्ट हो एंड फुटस्टेप आती है तो वो फुटस्टेप जो बंदा रहता है वो नीचे कूद जाता है, बेसिकली जो पहले वो ऊपर रहता है एंड मुझे देखकर वो नीचे कूद जाता है तो मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ फिर, ताकि भाई एक बेनिफिट रहे। तो ऊपर वाले बंदे को हमेशा बेनिफिट होता है अपार्टमेंट में, क्योंकि जब भी आप अपार्टमेंट के ऊपर रश करोगे तो काफ़ी दिक्कत रहती है। आप ऊपर से नीचे रश कर सकते हो, बस नीचे से ऊपर रश करने में काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि TPP वगैरह रहता है। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये बंदा पेन किलर लगाता है तभी मैं इसके ऊपर रश करता हूँ एंड इसने उजी का इसने प्रिपेयर दिया। फिर उसके बाद ये बंदा मुझे काफ़ी डैमेज दे देता है एंड फिर भाई इसको पेलम दिस करके यार अपने निकलते हैं ड्रॉप की तरफ। तो गाइस यहाँ पर मिल्टा के ऊपर ही ड्रॉप गिरा था, तो अभी देखते हैं ड्रॉप में क्या निकलेगा। तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई कोई तो बंदा आएगा ड्रॉप पे, क्योंकि 42 बंदे बचे होते, मतलब काफ़ी ज़्यादा बंदे अभी बचे होते। तो बेसिकली ये जो लोबी रहती है कैंपर टाइप की लोबी रहती है, इसमें सब बंदे मतलब एकदम होल्ड करके खेलते हैं एंड यहाँ पर मुझे AWM डिटेक्स मिलता है। तो यार मैं ये लेकर निकल जाता हूँ पास वाले स्कोडा उसके पास, वेट करता हूँ मैं वहाँ पर कि कोई बंदा आएगा तो उसको मारेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर कोई भी नहीं आता ड्रॉप पे एंड बेसिकली हमें वापस से बग्गी उठा कर निकलना पड़ता है वहाँ पर थोड़ा वेट करने के बाद। एंड फिर मैं बग्गी को अपने चेंज कर लेता हूँ क्योंकि बेसिकली पहले तो पेट्रोल खत्म हो चुका था, ऊपर से बग्गी का यार पीछे वाला टायर गया तो भाई आप मर जाते हो। तो सबसे पहले गाड़ी वगैरह चेंज करने के बाद अभी देख सकते हो मेरे पास जो कॉम्बिनेशन था वो था AKM एंड AWM। तो AWM अच्छी है लॉन्ग रेंज के लिए, तो AKM भी अच्छी है क्लोज रेंज के लिए, बट यार स्प्रे के लिए अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर मैं मिल्टा पे रुकता हूँ कि भाई कोई M4 या फिर स्कारल वगैरह मिल जाए, मैं उसके अटैचमेंट भी लेके घूमता बट मुझे कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर लूट करते करते बच जाते हैं 32 बंदे सिर्फ और सिर्फ, तो मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं अभी AKM ही लेकर निकल जाता हूँ, क्लोज रेंज में फाइट लूँगा किसी से एंड उसको मार कर हम लोग फिर उठा लेंगे मतलब उसकी गन जो रहेगी। तो अभी देख सकते हो मुझे लेफ्ट में एक ड्रॉप दिख रहा है, तो मैं ड्रॉप पर जाने की मतलब सोच लेता हूँ कि चलो ड्रॉप पर चलते हैं, क्या पता M249 या फिर UG वगैरह कुछ मिल जाए। तो फिर ड्रॉप पे जाते जाते देख सकते हो बीच में घर आते हैं एंड उस घर के पास से मैं निकलूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी रहती है। तो यार अभी मुझे बंदों की तो तलाश थी क्योंकि मुझे M4 चाहिए थी, तो मुझे लगता है कि पीछे वाले घर पे बंदा है, बट वो बंदा जो रहता है वो आगे वाले घर पे रहता है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सरप्राइज मतलब अगर, तो यहाँ पर देख सकते हो दो तीन गाड़ी रहती है एंड भाई यहाँ पर बंदा जो था वो काफ़ी तगड़ा कैंपर था क्योंकि उस बंदे ने यार बहुत सारे बंदों की इधर पेटी बनाई थी, आप लोग को देखने को मिलेगा सीढ़ियों पे एंड बहुत सारी जगह। एंड यहाँ पर आप ये देख सकते हो वो बंदा सीढ़ियों पे बैठ जाता है बेसिकली, तो मैं इधर जाकर उसको मारने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं उसको नेड से बेट भी करूँगा एंड वो बेट हो भी जाएगा तो उसी की वही गलती रहेगी उसकी। एंड पूरी फाइट यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार होगी, ये बंदा काफ़ी अच्छा था वैसे तो स्ट्रेटेजीज के साथ खेल रहा था, बट इधर ये चूक जाता थोड़ा सा, तो जैसे मैंने नेड मारा ये बंदा नीचे कूद जाता है जल्दीबाजी में एंड नीचे कूदने की यही इसकी सबसे बड़ी गलती रहती है।
क्योंकि यार स्कोडा उसके नीचे बहुत सारी गाड़ी लगी थी, तो एक बार नीचे उतरने के बाद ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी दिक्कत आएगी। एंड ऊपर से मैं सीढ़ियों की साइड था तो मेरे लिए बेनिफिट था, मैं ऊपर ईजी जा सकता था, तो मैंने उसी के लिए स्मोक किया ताकि ये मुझे स्प्रे ना दे दे ऊपर चढ़ते टाइम। एंड फिर स्मोक करने के बाद मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं भी चालाक बनता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर चढ़ने के लिए ये दरवाज़ा रहता है, इसके ऊपर जंप करके हम लोग ऊपर चढ़ सकते हैं लेज ग्रैब करके। तो सबसे पहले मैं बूस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्टिंग करता हूँ कि भाई मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देख सकते हो मैंने स्मोक किया, एंड देख सकते हो मैं नॉर्मल जंप कर रहा हूँ, मैं ऊपर चढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा। एंड वो उस बंदे को लगता है कि मैं सबसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ रूफटॉप पे, एंड वो बंदा मेरे पे रश करने की कोशिश करता है। एंड तभी देख सकते हो उसको हेडशॉट लग गया सीढ़ियों पे, एंड तभी भाई मेरे को एकदम रश का कीड़ा जाग गया। एंड मेरे पास कोई दूसरी AR थी नहीं, तो मैं अपने रिलोड वगैरह करके करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही AR है, तो मैं स्विच वगैरह तो कुछ कर नहीं पाऊँगा, इसमें जितना है उसी से एमओ से मारना पड़ेगा। एंड फिर मुझे डैमेज देता है, एंड यहाँ पर बाहर आकर इसका पेलम डिस कर देते हैं वापस से। तो गाइस काफ़ी अच्छी फाइट हुई है मेरे साथ, यहाँ पर देख सकते हो एक ही स्कोडा उसमें तीन गाड़ियाँ, एंड यहाँ पर सीढ़ियों पे भी देख सकते हो दो दो मतलब इसके पड़े हुए हैं डब्बे, एंड यहाँ पर इसकी गाड़ी एंड वहाँ पर मेरी गाड़ी, तो तीन चार गाड़ी यहाँ पर जल जाती है। एंड फिर उसकी गाड़ी उठा कर आ जाता हूँ ऊपर शेक के अंदर, जो कि जोन में सबसे ऊँची वाले पोजिशन रहते हैं, मतलब यहाँ से काफ़ी अच्छा मेरे पास अपॉर्चुनिटी रहती है स्नैप करने की। तो अभी मेरे पास AWM है, तो अभी देख सकते हो नीचे एक शेक है जहाँ पर एक गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं अभी एम कर रहा था कि भाई बंदा अगर शेक से थोड़ा पीक पीक देगा, तो अभी मुझे दिखता है पीछे एक बग्गी एंड उसके पीछे लेटा हुआ एक बंदा, एंड उसको हम एकदम मतलब प्यार से एकदम हेडशॉट देते हैं, फट से नहीं देते, प्यार से देते एकदम आराम से। एंड फिर मैं गाड़ी के ऊपर स्मोक करता हूँ क्योंकि मुझे भी जोन के अंदर जाना होता है। तो अभी देख सकते हो 1 मिनट अभी बाकी है, एंड अभी मुझे लग रहा था कि शेक पे बंदा होगा ही, एंड होगा भी, हम लोग देखते हैं उसको कैसे मारेंगे। तो अभी मैं जोन के अंदर नहीं जाता हूँ, ठीक है। मैं जोन के अंदर एक बार पोजीशन चेक करता हूँ कि कितनी दूर है जोन, ठीक है। अभी मैं जोन के अंदर नहीं है, वापस से देख सकते हो मैं जोन के बाहर चला गया, क्योंकि मुझे शेक के ऊपर बंदा मतलब उसके ऊपर डाउट था, ठीक है। तो अभी मुझे इतना तो मालूम था अगर मैं यहाँ पर होल्ड करूँगा तो शेक के ऊपर वाला बंदा इधर पत्थर पर आएगा, एंड मैं नीचे रहूँगा तो वो मुझे ईजिली स्प्रे डाउन करेगा। तभी मैं देख सकते हो मैं एक अच्छा खासा कुक नेट करता हूँ, मतलब यहाँ पर ज़्यादा मैं कुक नहीं करता, यही मेरी गलती रहती है, मैं जल्दी इसको फेंक देता हूँ, एंड वो बंदा भाई बाहर निकल के बच जाता है। एंड उसका भी देख सकते हो 2 बार नेट फटे, एक मेरा नेट फटा, एक उसका, वो भी नेट कर रहा था। तभी देख सकते हो वो गाड़ी के पीछे जाता है, एंड इस बार मैंने काफ़ी अच्छा कुक किया, 2 सेकंड पे छोड़ा, एंड कैसे उसका बूम बाम हो गया एकदम पेलम। एंड फिर उसके बाद देख सकते हो साइड में एक बग्गी भी लगी हुई है जिसपे भी हमने AWM का हेडशॉट देकर उसको मारा था। तो कैसे उसको लूटते हैं हम लोग वहाँ पर, एंड अभी बचते हैं टोटल 11 बंदे, एंड यहाँ पर हम काफ़ी अच्छा कवर बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी देख सकते हो ऊपर से एक बग्गी भी आते हैं, जो कि बंदा काफ़ी लैग कर रहा था या फिर काफ़ी उसकी बग्गी स्लो चल रही थी, तो अब देख सकते हो बंदे की बग्गी एकदम लैग कर रही है आगे पीछे आगे पीछे। तो हम लोग उसको मार देते हो, तो बंदे का शायद से पिंग अच्छा नहीं था या फिर नेट अच्छा नहीं था, कुछ भी था, तो अपने को क्या, अपने को तो किल से मतलब है। तो यहाँ से मैं अपनी भी गाड़ी लेकर चला जाता हूँ जोन के अंदर, क्योंकि मुझे जितनी ज़्यादा गाड़ी हो सकती है उतनी ज़्यादा गाड़ी चाहिए थी कवर बनाने के लिए। एंड पीछे से एक और गाड़ी आती है, एंड वो बंदा भी मेरे लिए और कवर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देता है, यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम इजीली। तो वहाँ से घर से देख सकते हो DP कोई तो चला रहा है, एंड हम लोग AWM उठाते हैं, अच्छा खासा एम करते हैं, एंड आराम से मारते हैं उसको एक हेडशॉट। तो अभी बंदे बचे हैं टोटल 8, एंड अपने 9 किल हो चुके हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छा। तो अभी मुझे खेलना था रैंक के लिए चिकन के लिए, तो काफ़ी अच्छा अगर मेरे लिए अगर चिकन निकल जाएगा तो काफ़ी सारे यूसी मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। तो अभी मैं देख सकती हूँ जोन के अंदर जाता हूँ, गाड़ी का कवर बनाता हूँ, स्मोक करता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ गाड़ी के नीचे से पड़ जाती है, फिर इधर उधर बंदा लेटा हो तो वो मार ना पाए स्मोक का, तो मुझे कवर मिल जाए। तभी देख सकते हो पीछे से एक बंदा भाग के आ रहा है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा हिट दिए, एंड जोन से बाहर था वो, तो बस जोन के बाहर ही मर गया, वो प्रोन कर लिया, मेरे एम से बच गया। अगर वो थोड़ा सा मतलब नहीं करता इतना ज़्यादा मतलब लालच प्रोन करने का, नहीं बचने की करता, तो मुझे किल मिल जाता। अभी उसने जोन को किल देना ही अच्छा समझा, तो वो सोचा कि भाई क्यों किसी को किल दिया जाए अपना। तो अभी देख सकते हो गैस जोन बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं रहता, जोन जहाँ मैं जा रहा था उससे उलट बन रहा था, मतलब एकदम दूर यहाँ पर इस पोजीशन पे मुझे लगता है कि ऊपर बंदा था, क्योंकि बग्गी जो थी एक जोन के बाहर रुकी हुई थी, ठीक है। मुझे लगा कि भाई बंदा जो रहा वो बग्गी को छोड़ के जोन के बाहर ऑन फुट आ गया, मतलब बाय फुट आ गया, पैदल चल के भाग के आ गया। तभी मैं देख सकती हूँ गाड़ी पे हमेशा मैं स्मोक करके बैठा हूँ, क्योंकि मुझे कवर चाहिए, अगर कहीं से भी स्प्रे आएगा तो यहीं पे, यही मेरी पोजीशन है जहाँ पर मैं आकर अपना 1 सेकंड के लिए सेफ पोजीशन ले सकता हूँ, हील विल कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा के लिए स्मोक ही रखता हूँ, देख सकते हो गाड़ी पे स्मोक। तो अभी मेरे पास 3 स्मोक बचे थे, तो मैं काफ़ी टाइम रुक सकता था इधर, एंड यहाँ पर अभी देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड बाकी है। तो मुझे इस पोजीशन पे ये तो पता था कि भाई राइट में एक बंदा है जो कि बोर्डन शेक है, वहाँ पर एक US रुकी हुई है। तो अभी देख सकते हो मैंने जंप करके भी देखा, एंड फिर गाइज मुझे यही डाउट था कि भाई अगर मैं उसको मारने जाऊँगा ऊपर तो मुझे स्प्रे पड़ेगा घर से, बट घर वाले बंदे यार पता नहीं क्या ही कर रहे थे, टीम अप कर रहे थे कि भाई कैम्प कर रहे थे एकदम बहुत गंदा, एंड वो लोग कुछ भी नहीं करते। अभी देख सकते हो मैं जाता हूँ शेक के पास पीछे से एकदम घूम के, एंड तभी ये बंदा देख सकते हो भाग रहा है जोन के अंदर, इसको स्प्रे डाउन किया,
एंड यहाँ से एक और किल मिल गया हमें, तो टोटल हमारे हो जाते अभी 10 किल एंड हम लोग अभी भी जिंदा है। तो तीन ही बंदे बचे थे, तो अभी चिकन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बट जोन नहीं था अपने पास बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास लास्ट मौका था, तो मैं क्या करता हूँ इसको जोन के अंदर कर देता हूँ, ताकि मुझे एक दो मतलब वहाँ पर मैं अपनी गाड़ी लगा कर कवर अपना बना सकूँ। ठीक है, अगर मुझे अगर स्मोक तो था, नेक्स्ट जोन भी स्मोक के अंदर ही बन जाता, तो मैं गाड़ी लगाकर उसको फोड़ के अपना एक हार्ड कवर बना लेता। अभी देख सकते हो मैं स्मोक के अंदर जाता हूँ एंड रुकता हूँ, देख सकते हो जोन एकदम मतलब टच होने वाला है, मतलब दूसरा जोन बनने ही वाला होता है। एंड मैं यहाँ पर बस वेट करता हूँ कि भाई कब नेक्स्ट जोन बनेगा, एंड वो काश मेरे ऊपर बन जाता तो गेम का एकदम मतलब हालत ही बदल जाती। तो अभी देख सकते हो फिर से जोन मेरे से दूर, तो यार ये मैच में पता नहीं जोन को यार क्या ही दिक्कत थी। एंड अभी देख सकते हो मैं जैसे ही जोन के अंदर जाता हूँ मुझे स्प्रे डाउन होता है, मतलब गाड़ी पे थोड़ा सा डैमेज पड़ता है बट कोई बात नहीं। एंड तभी देख सकते हो राइट से एक और बंदा मेरे पे रश करने की कोशिश करता है, उसको मैं डैमेज देता हूँ एंड फिर भी यार वो बंदा बार बार से मतलब मार देता मुझे राइट से, तो मैं उसके ऊपर मारने चला गया एंड रिलोड पे आकर भाई अपना भी पेलम दिस हो गया। तो यहाँ पर अपन आते हैं सेकंड 11 किल के साथ, अच्छे खासे पॉइंट मिलते हैं। तो गाइस होप आप लोग को थोड़ा